पाछुर 1.5 बच्छर ले कोरिया जिला के बैकुंठपुर के तलवा पारा के करोड़ों रुपया के जमीन के मामला हा ओ बेरा लगभग पट्टा छेप हो गई, जब माँ वैष्णो एसोसिएट के संचालक संजय अग्रवाल कति ले लगभग 30 करोड़ रुपया के उक्त भूइया ला शासन के पक्ष में त्याग दे गई। देखा हमार खास रिपोर्ट। कोरिया जिला के बैकुंठपुर के तलवा पारा के 1 हेक्टेयर ले ज्यादा भूइया ला संजय अग्रवाल हर जिला प्रशासन ले विधि सम्मत अदला बदली के रूप में 1.5 बच्छर पहली लेहे रही। ये भूइया के बदला में ओहा अपन रामपुर के भूइया ला प्रशासन ला देहे रही, जेकर बाद ये भूइया ला लेके अबड़ हो हल्ला होइस। भाजपा के कई नेता मन एकर खिलाफ धरना प्रदर्शन घला करी और बात तत्कालीन मुख्यमंत्री तक जा पहुंची। फिर राजस्व मंडल हा फैसला संजय अग्रवाल के पक्ष में दे दिए। बावजूद एकर शहर हित में संजय अग्रवाल हा ये भूइया ला शासन भर त्याग करे के निर्णय ले है। एकर भर कलेक्टर कोरिया ला चिट्ठी भी लिख दे है। संजय अग्रवाल प्रेस वार्ता में पत्रकार मन ला बताइस कि ओहा कलेक्टर ला आवंटन रद्द करे बर अपन तरफ ले सहमति चिट्ठी घला लिखे रहिस। भूइया में शासन द्वारा शादी घर बनाए में ओकर भर 11 लाख रुपया देहे के बाद घला कहे है। मेरा पक्ष इतना है कि मैंने आवेदन दिया था और वो भूमि अदला बदली में कलेक्टर के द्वारा, तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा मेरे नाम करने का आदेश पारित हुआ और अब जो है प्रशासन जो है विरोध होने के बाद में राजस्व मंडल गया और राजस्व मंडल में भी ये पाया गया कि वो जो अदला बदली का आदेश दिया गया था वो सही दिया गया था, लेकिन समाज हित में, नगर हित में और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मेरा भी ये दायित्व बनता है कि समाज हित में उसको वापस शासकीय भूमि के रूप में, शासकीय हित में त्यजन कर दिया जाए ताकि वहाँ पर कुछ भी शासन अपने अनुसार समाज हित में निर्माण कार्य करवा सके। कि 2013 में विकास यात्रा के दौरान जो है डॉक्टर रमन सिंह ने युवा घर की घोषणा की थी, उसके लिए कुछ पैसा भी आ गया ऐसा लोगों का कहना है। और यदि यहाँ पर बहुत कमी है शादी घर की, यदि यहाँ पर कोई भव्य शादी घर का निर्माण होता है तो मेरे द्वारा 11 लाख रुपए स्वतः के द्वारा एक उस पर दान दिया जाएगा और ये निश्चित ही इस नगर के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय होगा। न्यायालय से संबंधित है तो इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता कि न्यायालय से जो निर्णय होगा उसका पालन होगा। कोरिया ले डिजिटल रिपोर्टर संजय गुप्ता के रिपोर्ट।